दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। जी हाँ फ्रेंड्स, 10वीं और 12वीं, जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनली 10th और 12th जो MP बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उन सभी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, रिजल्ट जारी करने के बाद में दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर बोर्ड की तरफ से निकल के आ रही है। क्या है वो महत्वपूर्ण अपडेट? पूरी अपडेट हम यहाँ पर विस्तारपूर्वक यहाँ पर जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट आई हुई है, इसमें बताया गया है कि विशेष परीक्षा वाले छात्रों की अंक सूची प्रकाशित नहीं होगी। मतलब कि दोस्तों, जो विशेष परीक्षा यहाँ पे आप देने वाले हैं, उनकी जो अंक सूची है, मतलब कि जो मार्कशीट है, वो प्रकाशित नहीं की जाएगी। इसमें बताया गया कि जो छात्र मुख्य परीक्षा के आवेदन नहीं भर पाए थे, उन्हें भी विशेष परीक्षा में मौका मिलेगा। जनरल प्रमोशन के दायरे में आकर परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल खुश करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे छात्र छात्राओं के लिए विशेष परीक्षाएं आयोजित की जा रही है कि जो विद्यार्थी अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं। मंडल ने उन छात्रों को भी परीक्षा में बैठने का मौका दिया है जो शुल्क जमा न करने या फिर अन्य कारणों से आवेदन नहीं कर पाए थे। विशेष परीक्षा में उन्हें भी मौका मिलेगा। मंडल के अनुसार हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल परीक्षा के परिणाम घोषणा उपरांत अपने रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थी अथवा जिनका परिणाम अनुपस्थित होते हुए घोषित किया गया है, ऐसे विद्यार्थी 1 से 25 सितंबर के मध्य आयोजित होने वाली परीक्षा संपूर्ण विषय अथवा किसी विशेष विषय की परीक्षा में निःशुल्क सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी 1 अगस्त से 10 अगस्त तक के मध्य परीक्षा में शामिल होने के लिए MP ऑनलाइन के पोर्टल पर पंजीयन करवा सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा के आधार पर तैयार परीक्षा परिणाम अंतिम मान्य किया जाएगा। इसके साथ ही जुलाई 2021 में घोषित परीक्षा परिणाम निरस्त होगा। यदि कोई छात्र समस्त विषय में उत्तीर्ण है तथा अंक सुधार हेतु विशेष परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो उसे 1 से अधिक विषयों में उत्तीर्ण तथा अंक सुधार हेतु विशेष विषय में अनुत्तीर्ण हुआ है, तो उसका अंतिम परीक्षा परिणाम पात्रता अनुसार घोषित किया जाएगा। इसके साथ उसे पूरक अथवा अनुत्तीर्ण की अंक सूची प्रदान की जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया कि किन किन छात्रों को यहाँ पर अंक सूची जो है वो प्रदान नहीं की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट यहाँ पे फाइनली जारी कर दिया गया है, तो इसमें बताया गया दोस्तों कि मंडल द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम घोषित उपरांत विशेष परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की अंक सूची मुद्रित नहीं होगी। ऐसे छात्रों के परीक्षा उपरांत अंतिम परिणाम के आधार पर अंक सूची प्रदान की जाएगी। विशेष परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को छोड़कर शेष छात्रों को मूल अंक सूची सितंबर में प्रदान की जाएगी। यह अंक सूची अग्रेषण संस्थाओं के माध्यम से मिलेगी। ऐसे प्रकरण जिसमें प्रवेश सूची के नाम पर दर्ज किंतु परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया था, या शुल्क भी जमा नहीं की गई थी, अथवा परीक्षा फॉर्म भरा गया किंतु शुल्क जमा नहीं है, ऐसे छात्र 1 से लेकर 10 अगस्त तक MP ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरकर शुल्क भरकर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। मंडल द्वारा आयोजित विशेष परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को पूरक की पात्रता हासिल होती है, ऐसे छात्रों को पूरक परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। सो दोस्तों, यहाँ पे फाइनली जो यहाँ पे विशेष परीक्षा, मतलब कि जो अपने रिजल्ट्स को लेकर संतुष्ट है, ऐसे छात्रों का जो अंक सूची है वो सेप्टेम्बर में आ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करते हैं, उन छात्रों को जो मार्कशीट है वो नहीं मिलेगी, आपको मार्कशीट उसके उपरांत मिलेगी जब आप यहाँ पे परीक्षा यहाँ पे दे देंगे सितंबर तक। उसके बाद में आपका यहाँ पे 1 महीने बाद मार्कशीट जारी की जाएगी। सो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।